हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे सिमिलर ट्रायंगल। उसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, बीपीटी भी हम उसको बोलते हैं या थेल्स थ्योरम बोलते हैं, बिकॉज ये थ्योरम ड्राइव करी थी थेल्स ने, मैथमेटिशियन हुए हैं। अकॉर्डिंग टू दिस, इसमें आपसे कह रहा है कि इन ए ट्रायंगल, सपोज दिस ट्रायंगल ABC, इफ़ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, मीन्स DE ड्रॉन पैरेलल टू BC वन साइड, यहाँ पे कंडीशन होती है कि इंटरसेक्टिंग टू साइड इन टू डिस्टिंक पॉइंट्स। ये जो लाइन है आपकी DE, अदर टू साइड्स को टू डिस्टिंक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। ऐसा नहीं है कि आपके पास एक लाइन यहाँ आ जाए जो A से पास हो रही हो एक ही पॉइंट पे। तो इंटरसेक्टिंग टू साइड इन टू डिस्टिंक पॉइंट्स, तो अगर ये कंडीशन है तो इफ मीन्स इफ़ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड इट डिवाइड्स अदर टू साइड्स इन द सेम रेशियो, मीन्स AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC, ये हमसे कह रहा है। तो इसे हम बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम कहते हैं। इसको हम प्रूव भी करेंगे, इसको हम समझेंगे भी, फिर यूज़ भी करेंगे। फिर दोबारा से देखिए ये कहना क्या चाह रहा है। हमसे ये कह रहा है कि अगर हमारे पास ये ट्राइंगल है, सपोज़ करिए PQR, देयर इज़ ए ट्राइंगल PQR, आप कह रहे हैं वन लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड। सपोज़ करो आपने यहाँ पे ये लाइन ड्रॉ करी है, इस लाइन का नाम हम ले लेते हैं XY, एंड इट इज़ पैरेलल टू दिस। तो आपने ये साइड यूज़ कर ली, नाउ वी हैव टू रिमेनिंग साइड्स, हम पर दो साइड्स बची रहेंगी, एक ये और एक ये। तो इन साइड्स का जो रेशो होगा वो सेम होगा। ये कहता है इन ए ट्राइंगल इफ़ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड इट डिवाइड्स अदर टू साइड्स इन द सेम रेशो। कंडीशन क्या है, व्हाट इज कंडीशन, XY इज पैरेलल टू वन साइड PQ, अगर ये है देन रेशो आपकी सेम होगी। अब रेशो जब भी आपको लेना है, ध्यान रखिए एक साइड से लेंगे, या तो आप ऐसे लेंगे या फिर ऐसे लेंगे। मींस अगर आप ले रहे हैं PX अपॉन XR, तो आपको बेटा P से इधर से ही लेना पड़ेगा QY अपॉन YR, दैट्स इट। ऐसे अगर सपोज करो हम ये कह रहे हैं कि ये हमारे पास ट्राइंगल है, अगेन हम इसकी बात करें कि ये हमारे पास ट्राइंगल है, इट इज़ P, इट इज़ Q, इट इज़ R, और आपने कहा नहीं साहब साइड जो है हम ये लेंगे, ये वाली, इट इज़ X, इट इज़ Y, नाउ दिस साइड इज़ पैरेलल टू दिस साइड। अब रेशो क्या होगा, ये रेशो सेम होगा, दिस अपॉन दिस एंड दिस अपॉन दिस, अगेन सेम थिंग, या तो आप Q से लेंगे या फिर ऊपर से लेंगे। तो अगर हम Q से ले रहे हैं, हेयर ऑल्सो XY इज पैरेलल टू PR, तो आप ये कहेंगे देन आप कहेंगे QX अपॉन XP इज इक्वल्स टू QY अपॉन YR। तो ये हमारे पास होता है रेशो, इसे तो हम कहते हैं बेसिक इन ए ट्राइंगल इफ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड दिस लाइन डिवाइड्स टू साइड्स इन द सेम रेशो। ये हमसे कह रहा है ये लाइन है तो ये रेशो हो जाएगा, और ये लाइन है तो ये रेशो हो जाएगा। ये हमने थ्योरम से, अब हम इसको प्रूफ कैसे करेंगे। हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है कि ये हमारे पास ट्राइंगल है, देयर इज ए ट्राइंगल ABC, और आपसे कह रहा है कि आपने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करी है DE। सो गिवन है हमारे पास, इट इज गिवन इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC DE इज पैरेलल टू BC, दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन। आपको प्रूफ करना है, AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC, ये आपको प्रूफ करना है। बहुत ही सिंपल सा है, थोड़ा थोड़ा सा आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। इसमें कुछ हम थ्योरम्स यूज़ करेंगे, कुछ हम पार्ट यूज़ करेंगे। देखिए पहले हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन ये करेंगे कि हम यहाँ से ई से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ऐसे
और हम ई से इसको ज्वाइन करेंगे ऐसे, ठीक है। अब हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि सपोज करो अगर हम हमने कंस्ट्रक्शन कर लिया, कंस्ट्रक्शन हमारा हो गया जॉइन बी ई एंड ड्रॉ ई एफ परपेंडिकुलर टू ए बी, ओके। अब देखिए ज़रा मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ सपोज करो ये हमारे पास है फिगर, अगर हम सिर्फ इसकी बात करें ए डी ई एंड डी बी ई ओनली दिस, ये फिगर दोबारा देखिए इसको, हम बात कर रहे हैं ये हमारे पास है ए बी, ये हमारे पास है ई, इट इज़ अवर डी, इट इज़ अवर ई एंड इट इज़ बी ई, और यहाँ से आपने ये परपेंडिकुलर डाला है ई एफ। अगर हम ये कह रहे हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, ये अपर पार्ट, अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई लोअर पार्ट, अगर आप इन दोनों एरिया ट्राइंगल्स के एरियाज़ को क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, तो एरिया होता है हाफ बेस इनटू हाइट। अब ए डी ई में ये हमारा बेस है, ये ए डी और ये हमारा हाइट है ई एफ, तो ए डी इनटू ई एफ अपॉन, अब आपके पास ट्राइंगल है बी डी, तो बेस होगा ये और हाइट होगी ये, तो ये हो जाएगा हाफ बी डी इंटू ई एफ। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि दोनों ट्राइंगल्स में सेम हाइट कैसे होगी, मैं आपको देखो दूसरी तरीके से बना के दिखाता हूँ। मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपके पास ये ट्राइंगल है, दैट इज़ ऑब्ट्यूस ट्राइंगल एस, है ना, उसका नाम क्या है बी डी ई, इट इज़ बी, इट इज़ डी एंड इट इज़ ई। अब ये मैं नहीं पता इसकी हाइट क्या है, सपोज़ करो अगर मैं आपके पास ऐसा एक ट्राइंगल बना दूँ ऐसे, ये ऑब्ट्यूस था, ये एक्यूट बना दिया, और मैं अब यहाँ से ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूँ, तो क्या आपको नज़र आ रहा है, ये हो गया एफ, ये हो गया ए, तो इट इज़ ए डी ई दिस वन। अब इस ट्राइंगल के लिए ये बेस होगा और ये हाइट होगी ए डी इंटू ई एफ दिस, लेकिन क्या इस ट्राइंगल के लिए हाइट ए होगी, यस, तो बी डी इंटू ई एफ, तो ये हम कह रहे हैं। अब इससे क्या होगा, ई एफ से ई एफ कैंसिल हो जाएगा, हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई इज इक्वल टू ए डी अपॉन बी डी, तो ये हमारे पास आ जाएगा ए डी अपॉन बी डी। यहाँ तक हम पहुँच गए, इसको हम कह देंगे इक्वेशन वन, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब ज़रा इधर देखिए, जो हमने पिछली बार लिया था ये हमारे पास, अभी हमने क्या किया है, हमने ए डी ई को लिया है और बी डी ई को लिया है, अब हम क्या कह रहे हैं अगर हम इसको भी ज्वाइन कर दें, किसको, डी सी को, और यहाँ से आप परपेंडिकुलर डालें डी जी, तो आपने क्या किया, आपने कंस्ट्रक्शन किया था जॉइन, किसको ज्वाइन किया आपने, डी सी को, एंड ड्रॉ, क्या आपने ड्रॉ किया, आपने ड्रॉ किया डी जी परपेंडिकुलर, किस पे डाला आपने, ए सी, ठीक है। अब आप प्लीज़ देखिए इधर ज़रा ध्यान से, हम क्या कह रहे हैं, अब हम इस ट्राइंगल को लेंगे, ऊपर ए डी और इधर डी सी, कैसे, आप देखिए दोबारा से, ये हमारे पास है ए डी, ये ए सी है हमारा ए सी, और ये हमारा डी है, ये हमारा ई है, और आपने इसको ज्वाइन किया, किसको, डी सी को, दोबारा देखिए आपने डी सी को ज्वाइन किया है और यहाँ से परपेंडिकुलर डाला है, ये आपने परपेंडिकुलर डाला है डी जी। अगेन जैसे हमने किया था, हम अपर ट्राइंगल को और लोअर ट्राइंगल के एरिया को रेशो कर रहे हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपर ट्राइंगल अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी सी ई लोअर ट्राइंगल
हाफ बेस, बेस इस बार ये होगा ए ई इंटू डी जी, ये हमारा परपेंडिकुलर होगा, अपॉन हाफ बेस हमारा होगा ई सी, ये इंटू ये हमारा होगा डी जी। सो डी जी से डी जी कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल, वी हैव ए ई अपॉन ई सी, इट इज़ इक्वेशन। तो आपने यहाँ भी एरिया कंपेयर किया है और आपने यहाँ भी एरिया कंपेयर किया है, ए डी अपॉन डी जी। अब हमारे पास आ क्या आ रहा है, हमारे पास आ रहा है ए डी अपॉन बी डी। व्हाट इज़ ए डी अपॉन बी डी, ए डी अपॉन बी डी हमें चाहिए। और हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास आ रहा है ए ई अपॉन ई सी, ए ई अपॉन ई सी, दोनों हमें इक्वल चाहिए। अब हमने एक बार एरिया लिया है ए डी अपॉन डी बी, दूसरा हमने लिया है ए डी अपॉन डी सी, तो ऊपर वाला ट्राइंगल तो सेम है। ये देखिए यहाँ हम कौन सा ले रहे हैं, ए डी ई, और उसके साथ ये ट्राइंगल ले रहे हैं। यहाँ हमने कौन सा लिया था, ए डी ई, और उसके साथ हम डी बी ले रहे हैं, ये हमारे पास है। तो ऊपर वाले ट्राइंगल तो हमारे पास सेम है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, यहाँ पर भी ए डी ई है और यहाँ पर भी हमारे पास कौन सा ट्राइंगल है, ए डी ई। हमारे पास दूसरा ट्राइंगल कौन सा है, बी डी ई, बी डी कौन सा ट्राइंगल है, ये इधर वाला, और दूसरा ट्राइंगल कौन सा है हमारे पास, डी सी, ये इधर वाला। मतलब एक बार हमारे पास ये ट्राइंगल है और एक बार हमारे पास ट्राइंगल। एक्चुअली क्या होता है ज्योमेट्री में, जब तक आप जो गिवन है, ये गिवन है, यूज़ नहीं करेंगे, प्रूफ भी नहीं होगा। तो गिवन क्या है, डी ई इज़ पैरेलल टू बी सी। अच्छा अब मैं क्या कह रहा हूँ, आपने डी ई पे एक ट्राइंगल ये बनाया है बी डी ई, और दूसरा ट्राइंगल ये बनाया है डी सी इस लाइन पे। तो एक ट्राइंगल ये आया और एक ट्राइंगल ये आया। तो अगर आपने नाइन्थ में पढ़ा हो ट्राइंगल ऑन द सेम बेस, ट्राइंगल ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस आर इक्वल इन एरिया, तो ये जो हमारे पास ट्राइंगल बन रहा है, ये वाला और ये वाला, इन दोनों का एरिया क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और ऊपर वाला पहले ही सेम है, ए डी ई दोनों में आ रहा है। तब हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि बी डी ई ये और एरिया ऑफ ट्राइंगल डी सी आर इक्वल, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल डी सी ई। क्यों इक्वल हैं, ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस, सेम बेस क्या है हमारा डी ई, एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस क्या है हमारी, पैरेलल लाइंस हैं, डी ई इज़ पैरेलल टू बी सी। सो अब अगर हमारे पास ये भी इक्वल है, डी सी बी डी के इक्वल, और ये ए डी भी इक्वल है ए डी के, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो आपके पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी ई इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी सी। ठीक है, तो दोनों इक्वल हो गए। अगर ये हमारे पास लेफ्ट साइड इक्वल हो गई, ये वाली साइड और हमारे पास ये वाली साइड इक्वल हो गई, तो जो इनकी राइट साइड है ये भी इक्वल हो जाए, ये वाला भी इक्वल हो जाए। तो फ्रॉम वन एंड टू, फ्रॉम वन एंड टू हमारे पास क्या आएगा, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी, ये हमें चाहिए था। तो हमारा ये आ गया प्रूफ्ड, ये हमें करना है। प्रैक्टिस करेंगे आप, थोड़ा सा और समझेंगे तो अच्छा है। थैंक यू सो मच।